अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू फीस्ट एंड आर्ट बाय नुसरत। आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। मेरे बेटे मोहम्मद अहमद का आज रिज़ल्ट आया है, वही वो चेक कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह 82% से पास हो गया है वो माशाल्लाह से। तो सेलिब्रेशन तो बनता है, तो आज मैं अहमद की फेवरेट डिशेस बनाने वाली हूँ। आज हमारी बिल्डिंग में वेजिटेबल वेंडर्स आए थे, जो कि हमारी बिल्डिंग वालों ने, सोसाइटी वालों ने अरेंज किया था, हाइजीन तरीके से सैनिटाइज़ किए हुए अच्छी तरीके से, मतलब जिस हिसाब से जो कोरोना वायरस का जो माहौल है हर तरफ। तो मैंने सोचा कि मैं भी देख लेती हूँ और कुछ वेजिटेबल्स ले लेती हूँ। आलू गोभी बनाना था एक्चुअली मुझको। ये देखिए, ये इस तरीके से मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे लोग, और जो वेजिटेबल्स भी थे ये भी काफ़ी अच्छे से लोगों ने अरेंज किया था और फ्रेश भी थी, एज़ कम्पेयर टू जो बाहर लोग जो लगा रहे हैं उससे ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और काफ़ी कुछ था वैरायटी, लाइक बहुत कुछ आप ले सकते थे, काफ़ी कुछ ऑप्शन से लेने के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल थी। कुछ चिप्स वगैरह भी थी जो मैंने भी ली हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर कोई अगर आएगा तो इस तरीके से हैंड को अपने सैनिटाइज़ करके आएगा। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं आज बना रही हूँ अंडे की भुर्जी, जिसके लिए मैं देखिए 3 प्याज को इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। ये मेरे पास चॉपर है, इसमें मैं अनियन को चॉप कर लेती हूँ। ऑयल गरम करने के बाद में मैं थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ता डालती हूँ और जो चॉप की हुई अनियन थी वो ऐड करके थोड़ा सा सॉटे। इसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर लूँगी और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें 2 हरी मिर्च भी कट करके डाली हूँ। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे। चार से पांच अंडे ली हूँ मैं, इसे इसी चॉपर में डाल देती हूँ और इसके साथ में मैं थोड़े 1 टमाटर और थोड़ा हरा धनिया कट करके डाल के इसे चॉपर में 2-3 मरतबा घुमा लूँगी। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ मिक्स हो जाती है। और ये हमारा ब्रेकफास्ट भुर्जी और रोटी रेडी हो चुकी है। सारा क्लीनिंग और सारा काम होने के बाद अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं आज बना रही हूँ आलू और गोभी। इसमें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल गरम की हूँ। तेल गरम करके हम इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ता उसे मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा चटकने दूंगी। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अच्छा भर के इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसकी जो रॉ स्मेल है, जो कच्ची स्मेल है अदरक लहसुन की, वो चले जाने तक इसे भूनेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि किचियों हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बड़ा अच्छा कलर आता है। 1 टीस्पून हल्दी लेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक जायके के हिसाब से ऐड कर लेंगे।
मसाला जब थोड़ा सा भुन जाए तब इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। मेरे पास फ़िलहाल नहीं थी तो मैंने इसमें 1 लार्ज टोमेटो को इस तरीके से थोड़ा सा पीस के इसमें डाल दी हूँ। मसाला काफ़ी अच्छे से भून गया, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब इसमें देखिए हम ये फ्राइड अनियन, तली हुई प्याज जो ब्रिस्ता होती है वो ऐड करके थोड़ा सा इसे और पका लेंगे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब दही ऐड कर रही हूँ। मसालों को पकने के लिए रख देते हैं ढक के थोड़ी देर। ये फूल गोभी थी, कॉलीफ्लावर, इसे मैंने इस तरीके से कट की हूँ और ये गर्म पानी में इसमें डाल रही हूँ। साथ ही साथ थोड़ा नमक डालेंगे ताकि इसमें अगर कुछ जम्स वगैरह हो तो वो मर जाएं। इसे थोड़ा सा बॉईल भी कर सकते हैं। अब जो नमक का पानी था उसे मैंने छान के निकाल ली हूँ इस तरीके से। इसमें मैंने आलू और मटर भी शामिल कर ली हूँ और अब इसे हम पका लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आलू और गोभी मटर गलने तक के इसे ढक के पका लेंगे। अब हमारी आलू गोभी की ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। इसमें जितना पानी आपको ग्रेवी के लिए चाहिए डाल दीजिए, ऊपर से इसे हरे धनिया से गार्निश कीजिए और हमारा ज़बरदस्त सा आलू गोभी मटर की ग्रेवी रेडी है। असर की नमाज़ के बाद मैं चिकन सिज़लर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चिकन को मैरिनेट करके रख लूँगी और फिर इशा के बाद पकाऊँगी। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख चुकी हूँ, इसे फ्रिज में रख देंगे। और बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है, एकदम ब्लू स्काई, बहुत ही खूबसूरत इस वक्त ये सीन दिख रहा है, बहुत माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। तो मैं तो अब, मेरा तो चाय का टाइम हो चुका है तो मैं पीऊँगी चाय। और जो मैंने चिप्स लाई थी, बनाना चिप्स और थोड़ा सी मसाले वाली सेंग जो मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ, तो वो मैं एंजॉय कर रही हूँ शाम के इस खूबसूरत मंजर के साथ। मगरिब के बाद में मैं सिज़लर बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। चिकन फ्राई करना है, सिज़लर की ग्रेवी रेडी हो चुकी है और सिज़लिंग प्लेट भी मैंने गर्म होने रख दी थी। अगर आपने मेरी सिज़लर की रेसिपी नहीं देखी हो तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये सिज़लर। और क्योंकि अब बाहर रेस्टोरेंट में जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम घर ही पर सिज़लर बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त सा बहुत ही टेस्टी सा सिज़लर बनके बिल्कुल रेडी है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारा सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे चैनल पर हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सिज़लर और हमारा ये सेलिब्रेशन कैसा लगा। और मैं आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह अपने किसी नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।